सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की सीरीज़ में एक बार फिर से वेलकम है आपका आई एम मनजीत रावत योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि ईमेल सर्विसेज कितने तरीके से आप किसी कंपनी के लिए असाइन कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं गूगल वर्क स्पेस माइक्रोसॉफ्ट थ्री सिक्सटी फाइव गोडेरी डॉट कॉम ए डब्ल्यू एस ये सभी मेलिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपकी कंपनी में काम करने वाले इंप्लॉयज़ के लिए ई मेल आई डी इनके थ्रू हम तैयार कर सकते हैं राइट right? सो so, पहले भी हमने डिस्कस किया था डे वन जब हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था तो तीन मेजर टेक्नोलॉजी पे हमने बात की थी कि अगर आपको सिस्टम uh, एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल की जॉब चाहिए या इससे रिलेटेड इंटरव्यू को आप क्रैक करना चाहते हैं तो यू मस्ट नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग दूसरा था विंटेल जिसमें हम एक्टिव एक्टिव डोमेन सर्विसेज डी एस सी बैकअप लेना सर्वर का ये सभी पार्ट हमने कवर किया और अभी पॉइंट है मेलिंग सर्विसेज का तो मेलिंग सर्विसेज में हम कई सारी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर पे बात करने वाले हैं लाइक एज गूगल वर्क स्पेस पर बात करेंगे ऑफिस 365 पे बात करेंगे ऑनलाइन एक्सचेंज ऑफलाइन एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करेंगे और साथ ही साथ गोड आई डी कैसे ई मेल सर्विसेज को इम्प्लीमेंट किया जाता है इस टॉपिक पर भी हम बात करने वाले हैं राइट सो कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है ईमेल से रिलेटेड राइट right? और इस केस में डेफिनेटली अभी तक हमने 31 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं थर्टी टू थर्टी सेकेंड वीडियो है ये बत्तीसवीं वीडियो है और एज पर कमिटमेंट हम आपको इस पूरी सीरीज में 50 प्लस वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो प्लेलिस्ट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है और उम्मीद है कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो विद इन टू मंथ आपके पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब होगी चलिए आगे बढ़ते हैं आज का एजेंडा हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि आज हम बेसिकली क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं ईमेल सर्विस में जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप साइन अप कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर आप अपना फ्री ट्रायल अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे दिस इज़ आर एजेंडा ये हमारे पास एजेंडा है और इसके लिए हम आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर हम चलते हैं किसी ब्राउज़र को ओपन करते हैं और ब्राउजर पे हम एक 365 का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं राइट माइक्रोसॉफ्ट 365 का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं सो व्हाट यू नीड टू डू इनकॉग्नीटो बीसर्ड ओपन कर लेते हैं और प्री की अगर हम बात करें ऑफिस ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव पोर्टल पे या माइक्रोसॉफ्ट थ्री सिक्सटी फाइव पे आ, फ्री ट्रायल अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या प्री होती है तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास चाहिए कोई भी एक ईमेल आईडी आप सेलेक्ट कर लेंगे राइट right? कोई से भी एक ईमेल आईडी चाहे वो जी अकाउंट हो चाहे या आपको आउटलुक uh, अकाउंट हो किसी भी एक ईमेल आईडी सर्विस एक ईमेल uh, आपको क्रिएट कर लेना और डेफिनेटली uh, आपको अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे आप फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे और दैट्स इट यही है कुछ लाइसेंसेज के बारे में बात करेंगे कि कितने तरीके के लाइसेंसेज होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है क्या क्या उसमें फीचर्स एडेड हैं तो अभी का एजेंडा है क्रिएट फ्री ट्रायल अकाउंट यस फ्री ट्रायल अकाउंट ऑन 365 राइट right? ऑफिस 365 पोर्टल पे हमें एक फ्री ट्रायल अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है तो स्टेप देख लेते हैं पहला हमें एक ईमेल आईडी आई सेलेक्ट कर लेना है ईमेल आईडी में डेफिनेटली हम यूज़ करेंगे जीमेल अकाउंट दूसरा अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दोनों यहाँ पे मैंडेटरी दोनों चल जाएंगे और ऑफिस 365 लाइसेंस आपको एक ऑफिस 365 का लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा या माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा दिस इज़ आर एजेंडर तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए हमें फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप पहले से डिसाइड करके रखेंगे कि आपको ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव में कौन सा लाइसेंस लेना है बट उसके लिए आपको कंपेयर करना आना चाहिए कि आ, कौन कौन से लाइसेंस हैं और किस तरीके से उनको हम यूटिलाइज़ करते हैं उनके फीचर के अकॉर्डिंग आ जाते हैं इनकॉबनीटव रिजर्ट पर हम जी मेल अकाउंट ओपन कर लेते हैं क्योंकि मे बी की कुछ कोड वगैरह अगर ये ट्रांसफ़र करता है तो उसके लिए हम रेडी रहेंगे तो ये अपने पास जी अकाउंट है और हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एज योर लाइव टू वन एट ये हमारी ई मेल है एट द रेट जी मेल डॉट कॉम और इसी जी मेल अकाउंट के थ्रू हम अपना फ्री ट्रायल अकाउंट सेटअप करने वाले हैं या फिर जो भी हम ऑफिस 365 का लाइसेंस लेंगे इसी जी मेल आई के थ्रू लेंगे ओपन करते हैं ऑफ़िस डॉट कॉम अब सिंपल सा ऑफिस डॉट कॉम ओपन कर लेंगे एंड ऑफिस डॉट कॉम ओपन करने के बाद जस्ट नी टू क्लिक ऑन प्रोडक्ट्स यहाँ पे हम प्रोडक्ट पर जाएंगे प्रोडक्ट में ये लिस्ट बता देगा कि कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास इंटरप्राइज पे जाएंगे फॉर इंटरप्राइज में आप क्लिक करेंगे फॉर इंटरप्राइज जस्नी टू क्लिक एंड इट विल रीड आई एक्ट यू ऑन द पेज ऑफ आवर वट वी कैन सेट जहाँ से आप थ्री सिक्सटी फाइव के लाइसेंसेज mm -hmm. के बारे में देखेंगे और फ्री थ्री सिक्सटी फाइव के फ्री ट्रायल अकाउंट्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे ऑल गुड सी माइक्रोसॉफ्ट 365 सिक्सटी फाइव प्लान्स एंड प्राइसिंग जरूरी है हमारे लिए आ, समझना कि कौन सा लाइसेंस कितना कॉस्टली है और उसमें हमें कितना पेमेंट देना पड़ेगा सो so, ये अभी माइक्रोसॉफ्ट 365 के पेज पे आ गए हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल लाइसेंसेस दिखेंगे ए थ्री लाइसेंस है थर्टी थर्टी यूरो और यहाँ पे हम बात करें ई फाइव लाइसेंस थोड़ा सा कॉस्टली होता है एफ लाइसेंस की कॉस्ट यहाँ पर मैंसन है इसी तरीके से मल्टीपल अगर आप इस पी को डाउनलोड करते हो ना तो ये आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और कंपेयर करके बता देगा कि कौन से लाइसेंस में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। तो आपने क्या करना है क्योंकि लाइसेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जब आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरव्यू देने जाएंगे तो उस केस में इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा लाइसेंसिंग uh से रिलेटेड सो मेक श्योर कि आपको उसको आप इस पर्टिकुलर फाइल को गो थ्रू कर लो ताकि आसानी हो आपको रिप्लाई देने में जब भी आपका इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन अप आप करे चलिए ये माइक्रोसॉफ्ट 365 की एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको e3 लाइसेंस यहाँ पे e5 लाइसेंस e5 सिक्योरिटी और e5 कंप्लायंस कंप्लाइंस लाइसेंस और e3 लाइसेंस यहाँ पर देखिए ये लिस्ट प्रॉपर तरीके से आपको मिल गई है यहाँ पे अप्लीकेशन है यहाँ पे लिस्ट है जिस पे आपको यहाँ पे मार्क्स दिखाई पड़ रहा है इट मींस दैट वो इस लाइसेंस में इन्वॉल्व है जहाँ पे मार्क्स नहीं दिखाई पड़ रहा है वो वो इट दैट लाइसेंस का टास्क कुछ और है इसमें कोई और टास्क हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं ठीक है तो आपको ये कंपेयर कर लेना है कि कौन कौन सी सर्विसेज मिल रही हैं हंड्रेड मेल बॉक्सेस किस में किस में मिल रहा है तो ये सारी चीजें आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं राइट right? तो ये तो लाइसेंसिंग की बात हो गई हम यहाँ पे जो लाइसेंस क्रिएट करने वाले फ्री ट्रायल का देखते हैं कोई सभी एक लाइसेंस जिसमें हमारा प्रैक्टिकल भी हो जाए और ज्यादा कॉस्टली भी ना पड़े आई एम गोइंग टू प्रोसीड विधई थ्री लाइसेंस यहाँ पे ई थ्री लाइसेंस भी चलते हैं या एफ थ्री दोनों के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है तो ई थ्री लाइसेंस में आप यहां पे क्लिक करेंगे ट्राई फॉर फ्री ट्राई फॉर फ्री जब क्लिक करेंगे इट विल रीड यू ऑन अनदर पेज और यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए तो अभी हमने एज योर लाइव टू वन एट एट जी मेल डॉट कॉम को सेलेक्ट किया नेक्स्ट किया सेटअप अन अकाउंट सेटअप अकाउंट में जा करके अब यहाँ पे आप नेम प्रोवाइड करेंगे हमने यहाँ पे नेम दे दिया बिजनेस नेम में ठीक है टीच मी क्लाउड और सॉरी कॉन्टैक्ट नंबर ठीक है यहाँ पे हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं ऑफिशियल नंबर फोर एट फोर सेवन ठीक है ये हमने डिटेल मेंशन की कंपनी नेम हमने दे देते दे हैं दे यहाँ पे टीच मी क्लाउड और कंपनी साइज यहां पे डिसाइड कर लीजिए एम्प्लॉय जितने हैं लोकेशन डेफिनेटली हम यहाँ पे इंडिया में रन कर रहे हैं अपना ऑफिस राइट तो आप इंडिया लोकेशन सेलेक्ट करेंगे नो नीड टू डू anything. नेक्स्ट कर देंगे इट विल सेंड यू द कोड आपका जो ये कॉन्टेक्ट नंबर है ना इस पर आपको एक कोड भेजा जाएगा और यू नीड टू प्रोवाइड द कोड आपको इस कोड को यहाँ पे मैंसन करना पड़ेगा राइट right? ये आपका स्टेप होगा पहला जो भी कोड आपको मोबाइल पर रिसीव होगा यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड और उसके बाद ये ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा जिसमें ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम का एक डिफॉल्ट डोमेन नेम आपको मिल जाएगा एंड स्टार्टिंग uh, में आप और डिफॉल्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम का डोमेन आप इस्तेमाल करेंगे बट इन केस डेफिनेटली हम इसको किसी कंपनी के लिए यूज़ uh, करना चाहते हैं तो हम अपना कस्टम डोमेन भी अपकमिंग सेशन में कॉन्फिगर करेंगे नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करने के बाद ये आपको अगले पेज पे ले जाएगा जहाँ पे पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी राइट सो मे बी फ्री ट्रायल के केस में आपको इसमें 25 डिफरेंट यूज़र्स के लिए लाइसेंसेस मिल जाएंगे और आप उन लाइसेंस का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि थ्री पोर्टल काम कैसे करता है और उस पर ई कैसे ट्रांसफ़र होती हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर आसानी से मैनेज कर पाओगे ये फ्री ट्रायल है दैट्स वाई अभी के लिए यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है जो हमने लाइसेंस सेलेक्ट किया माइक्रोसॉफ्ट ई थ्री और ई थ्री के केस में टू थाउजेंड एट हंड्रेड समथिंग अमाउंट पर यूज़र पर मंथ के हिसाब से आपको पड़ेगा राइट right? तो नंबर ऑफ़ लाइसेंस कितना परचेज करना चाहते हैं आप यहाँ पे नंबर की लिस्ट बढ़ाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करके आपको फ्री ट्रायल लाइसेंस प्रोवाइड कर देगा बट हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी बाई डिफ़ॉल्ट फ्री ट्रायल में हमें 25 लाइसेंसेज मिल रहे हैं इस फ्री ट्रायल में एक महीने की वैलिडिटी में हम 25 लाइसेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका कोई चार्जेस नहीं कभी भी किसी भी टाइम आप अपने फ्री ट्रायल लाइसेंस को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या आप लाइसेंस पूरा होने के बाद भी ऑटो डेबिट को हटा सकते हैं राइट right? कि ताकि आपका जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिक चार्ज ना हो नेक्स्ट जो बिलिंग साइकिल है वो सेक सेवन ऑफ फेब को आपको पे करना पड़ेगा बिकॉज टुडे इज सेवन तो डेफिनेटली आपको एक साल एक महीने का पूरा का पूरा वैलिडिटी मिल जाएगा अब आप एड पेमेंट पे क्लिक करेंगे एड पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन आप फिलअप करेंगे लाइक फ्री ट्रायल में जो 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 सॉरी uh, अकाउंट के लिए आप जो भी कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं सिक्योरिटी कोड में सी कोड और ये सारी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे और सेव कर देंगे विद इन टू मिनट आपका जो ये अकाउंट है ना विद इन टू मिनट आपको लाइसेंस असाइन हो जाएगा और आप उस लाइसेंस के जरिए किसी भी अकाउंट को क्रिएट करके उसकी मेलिंग सर्विसेज चेक कर सकते हैं ठीक है तो ये पार्ट हो गया अपने पास हाउ टू क्रिएट अ फ्री ट्रायल लाइसेंस हमने अपने अकाउंट में पहले से फ्री ट्रायल लाइसेंस को क्रिएट कर रखा है बट हमने आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया कि किस तरीके से आप फ्री ट्रायल लाइसेंस परचेज करते हैं तो आई एम जस्ट क्लोजिंग द बिजर्ट और हम अपना जो लाइसेंस uh, है जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट थ्री सिक्सटी फाइव का भी अकाउंट जो हमारा रन कर रहा है ना उससे लॉग इन करते हैं और आपको ऑप्शनस दिखाते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या क्या पोर्टल uh, 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 या डैशबोर्ड पर क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं यूजर्स वगैरह कैसे क्रिएट किया जाता है तो ये मेरा अभी करंट अकाउंट है जिसको मैं यूज़ करता हूँ और इसमें ऑलरेडी लाइसेंसिंग की सर्विस है सो आई एम गोइंग टू लॉग इन इट और देखते हैं कि ये डैशबोर्ड किस तरीके से देखते देखने को मीनस द सर्विसेस किस तरीके से इस पर अवेलेबल है एडमिन से हमने लॉगिन किया तो एडमिन पे लॉगिन करने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से पेज देगा और इस डॉट पे क्लिक करेंगे डॉट पे क्लिक करने के बाद ये आपको एडमिन सेंटर्स पे ले जाएगा एडमिन सेंटर पे क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से बिजर्ट आएगा और इस बिज़र्ट में आप अपने यूज़र से रिलेटेड बिलिंग से रिलेटेड या फिर वट वी कैन सी दैट कस्टम डोमेन से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं तो अभी जो हमारे पास पेज ये दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन के ऊपर ये एडमिन सेंटर है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के नाम से जानते हैं ठीक है ये जो पूरा पेज है ये जो पूरा बिजल्ट है इसको हम माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर बोलते हैं एज इट इज ऑफिस 365 पे कई सारे आपको एडमिन सेंटर देखने को मिलेंगे जैसे ये दूसरा एडमिन सेंटर ओपन हो रहा है इसको हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर के नाम से जानते हैं जो कि पहले एजियोर एक्टिव डायरेक्टरी था एक और जो मोस्ट कॉमन यूजेबल एडमिन सेंटर है वो है ऑनलाइन एक्सचेंज एडमिन सेंटर तो आप देखिए एक ही अकाउंट से हमने तीन अलग डैशबोर्ड को ओपन कर रखा है पहला है हमारे पास एडमिन सेंटर माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर जो एजियोर एक्टिव डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है और तीसरा हमने लॉग इन किया एक्सचेंज एडमिन सेंटर मतलब ऑफिस 365 की सर्विसेज़ को मैनेज करने के लिए हमें इन तीनों एडमिन सेंटर्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि हर एक एडमिन सेंटर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका एक्चुअल में टास्क क्या है रियल टाइम टास्क क्या है तो ये अपने पास एजेंडा है और हम जो टास्क परफॉर्म करेंगे इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कसन करेंगे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को परफॉर्म करिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कम हम बढ़ाएंगे ताकि आपको भी प्रॉपर तरीके से समझ में आए सारी चीज़ें और प्लीज़ प्रैक्टिकल जरूर परफॉर्म करिए क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल आज की डेट में इंटरव्यू के क्वेश्चन समझना इंटरव्यू के क्वेश्चन को रिप्लाई करना क्योंकि यू नो दैट वो टाइम पहले था कि हम आ, जो गूगल से पढ़ करके सिर्फ आंसर आंसर पढ़ के निकाल देते थे बट आज के डेट में जो इंटरव्यूअर हैं जो टेक्निकल स्किल रिक्वायर होती है किसी कंपनी के लिए डेफिनेटली हर एक कंपनी चाहती है कि हमारा जो इंजीनियर है हम जो जिस इंजीनियर को हायर करने वाले हैं उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए तो प्लीज़ डू सब डू प्रैक्टिकल डू प्रैक्टिस और अगर कहीं पर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ लेट मी नो एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आज के लिए इतना ही नेक्स्ट मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल टेक केयर बाय बाय।